दोस्तों टारगेट विद कंपटीशन एग्जाम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल को वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब के आइकॉन को क्लिक करें। दोस्तों आज हम आईबीपीएस एग्जाम स्पेशल शॉर्ट ट्रिक्स क्वांटिटी क्वेश्चंस की लाए हैं, तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं क्वांटिटी क्वेश्चन शॉर्टकट मेथड से। आजकल शॉर्ट कट मेथड से आपका टाइम भी बचेगा और आपका क्वेश्चंस भी जल्दी से ले होंगे। बैंक पीओ या बैंक क्लर्क की परीक्षाओं में इन क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से आपको हल करने के लिए, बहुत ही तेज करने के लिए आपको शॉर्टकट मेथड की आवश्यकता पड़ती है। तो मैं केवल शॉर्टकट मेथड बताऊंगा, लॉन्ग मेथड आप सभी को मालूम है। तो हमारे पास ये पांच क्वेश्चन हैं, इन पांचों क्वेश्चंस को मैं आपको बताता हूँ। तो पहली क्वेश्चन हम देखते हैं, 2x² - 7x + 6 = 0। ठीक है, इसके बाद दूसरे क्वेश्चन को मैं नीचे रख ले लेता हूँ, 2y² - 3y + 2 = 0। ये हमारे पास दो इक्वेशन है। हम जानते हैं कि कभी भी क्वेश्चन करने से पूर्व हमें ये पता होना चाहिए कोई भी डिजिट का जो हम गुणनखंड करेंगे वो ये तो समाना चाहिए, और इन दोनों का जो x का पहले वाला जो कोफिशियंट है इससे लास्ट वाला जो कांस्टेंट है उसका मल्टीपल होना चाहिए। तो लास्ट वाला जो मल्टीपल करेंगे तो 6 × 2 और -7 यानी कि 12 तो हमारा मल्टीपल में आना चाहिए और 7 जो है वो सम के रूप में आना चाहिए। तो हमें मालूम है -7 सम के रूप में लाना है और +12 हमारा मल्टीप्लिकेशन के रूप में आना है। तो हम 4 और 3 इसका सीधा सीधा गुणनखंड निकाल सकते हैं। इसको मैं गुणनखंड नहीं करूँगा क्योंकि जल्दी से जल्दी मुझे ये टॉपिक पूरा करना है। तो हम यहाँ से लगा लेंगे, 4 इसका ये आया और 3 इसका ये आया। अगर हम 4 और 3 का गुणा करेंगे तो हमारा 12 आ जाएगा, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो वो 7 आ जाएगा। अब हमें 7 लगाना है नेगेटिव में, तो निश्चित रूप से ये माइनस में हमें रखने पड़ेंगे, और जो एक्स का ये कोफिशियंट है इससे हमें डिवाइड करना होता है एक्स की वैल्यू प्राप्त करने के लिए। अब डिवाइड कर दिया तो हमारे पास एक्स की वैल्यू जो निकल के आई वो निकल के आई -2। ये निकल कर आई -1.5 भी मैं इसे लिख सकता हूँ। ओके, अब आपको आगे क्या करना है, अब आपको बराबर से इधर लेके जाना है, तो ये जो साइन है वो बदल जाएंगे, तो हो जाएंगे +2 और ये हो जाएगा +1.5। इसी तरह से ये हमारी x की वैल्यू हमारे पास निकल आई। इसी तरह से हम y का निकालेंगे, तो y का मल्टीप्लाई इसमें तो 2 हमें तो मल्टीप्लाई के रूप में लाना है और 3 जो है वो सम के रूप में है। तो हमें मालूम है 2 × 1 = 2, तो 2 - 1 इसका कोफिशियंट, y का कोफिशियंट है नहीं तो इसका डिवाइड होगा नहीं, तो y को हम बराबर के रूप में ये दोनों हमारे पास आए। जब हम इनको बराबर से उधर ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा +2 और +1। ठीक है, अब हमें इनका कंपैरिजन करना है कि कौन सी डिजिट छोटा है कौन सा डिजिट। इसको हम स्केल मेथड के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने 0 यहाँ माना, इधर ले लेंगे हम +1 + 2 + 3 इस तरह से। ठीक है, इधर मानेंगे हम -1 - 2 - 3 इस तरह से। हमारे पास x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है +2, तो x की वैल्यू यहाँ रख लेंगे, एक x, दूसरी है 1.5, दूसरा हम 1.5 यहाँ मान लेते हैं, तो यहाँ भी x की वैल्यू रख सकते हैं। इसी तरह से एक हमारे पास वैल्यू है +2, x की वैल्यू जो है वो +2, जो y की वैल्यू सॉरी +2 ये है। इसके अलावा +1, तो अब हमें देखना है कि कौन सी डिजिट बड़ी है कौन सी डिजिट छोटी है। तो अगर आप देखेंगे, एक तो हमारे पास बराबर आ रहा है और एक हमारे पास y जो है, जो x है वो y से बड़ा आ रहा है। तो हम सीधा सीधा सिंपल कह सकते हैं, x बड़ा है बराबर है y के। ये इस तरह से हम सॉल्व कर लिया। तो दोस्तों इस तरह से हम शॉर्टकट मेथड से इन क्वेश्चंस को मुश्किल से 15 से 20 सेकंड में हम हल कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए मुझे इस क्वेश्चन को समझाने में आपको टाइम लग रहा है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास है y स्क्वायर, इसे मैं x स्क्वायर ही मानूंगा, ये मिसप्रिंट हो गया है, ये x स्क्वायर और ये भी x है। ठीक है,
तो हम इसे उसी तरह से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। हमारे पास ये इक्वेशन है, हमें वही चीज़ करनी है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ रहा है टू और ये जोड़ना है वो थ्री, तो हमारा सीधा सीधा विकल्प हो जाएगा टू और माइनस वन। कोई इक्वेशन नहीं है, जब हम बराबर से उधर ले जाएंगे तो इसे हम ये साइन चेंज हो जाएंगे, तो सीधा सीधा हमें यहीं पर हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। एक्स की वैल्यू हमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से हम वाई के लिए करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस फाइव बाई प्लस सिक्स, मल्टीप्लाई कोई कोफिशेंट नहीं है तो छोड़ दीजिए, तो हमें ये मल्टीप्लाई लेना है, ये प्लस लाना है, तो इस तरह से हो सकता है प्लस का थ्री और प्लस का टू, साइन हमारे बदल जाएंगे बराबर से उधर, ये हो जाएगा माइनस टू और ये हो जाएगा वो माइनस थ्री माइनस टू। तो अब हम दोबारा से कंपैरिजन करने के लिए स्केल काट लेंगे, तो हमारे पास है प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री, इस तरह से इधर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, तो एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, प्लस टू और प्लस वन, ठीक है। वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस थ्री और माइनस टू। तो इस तरह से हमें यहाँ से पता चल रहा है कि एक्स बड़ा है वाई से, तो इसी तरह से विकल्प में हमें एक्स हम वाई को वाई से बड़ा बता देंगे, तो बड़ा आसानी से ये सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास, टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स, ये मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसे आप इक्वेशन लिखने की भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, लेकिन केवल एक समझाने के पर्पज़ से मैं ये क्वेश्चन आपको लिख कर दे रहा हूँ, वाई स्क्वायर प्लस नाइन वाई प्लस ट्वेंटी, ये हमारे पास है। पहला देखते हैं कोफिशेंट से उनका, तो हमें लाना है प्लस फोर, सम लाना है प्लस फाइव, तो हमारे गुणनखंड हो गए प्लस फोर और प्लस वन, मल्टीप्लाई प्लस फोर आ गया और जो वो सम है वो प्लस फाइव आ गया। जब हम बराबर से उधर ले जाएंगे तो ये साइन बदल जाएंगे, ये माइनस फोर होगा और ये हो जाएगा माइनस वन, एक्स की वैल्यू हमारी ये निकली आई। इसी तरह से इसमें चलेंगे, कोई कोफिशियंट नहीं है तो मल्टीप्लाई लाना है ट्वेंटी और जो सम लाना है वो नाइन लाना है, तो सीधा सीधा है प्लस थ्री प्लस सिक्स प्लस थ्री, तो इस तरह से हम ला सकते हैं, नो 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 नो, प्लस फाइव और प्लस फोर, क्षमा करिएगा गलती के लिए, प्लस फाइव प्लस फोर, पाँचों का बीस, तो इसको हम सीधी तरह से जब बराबर से उधर ले जाएंगे तो माइनस के चिन्ह आ जाएंगे। अब स्केल पर हम उसी तरह से पैमाना मान लेंगे, हमारे पास मालूम है माइनस माइनस के ही हैं, तो माइनस की तरफ ज़्यादा ले जाते हैं, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव। तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू रख लेते हैं, एक्स हमारा माइनस फोर पर है और वाई भी एक माइनस फोर पर है, तो ये दोनों तो बराबर हो गए, माइनस वन ये वाला एक्स माइनस वन पर है और एक एक्स जो है वो माइनस फाइव पर है, सॉरी वाई जो है माइनस फाइव पर है। तो इससे हमें अगर हम इक्वेशन देखें तो एक तो बराबर आ रहा है हमारे पास एक्स और वाई, और एक जो है वो एक्स जो है बड़ा आ रहा है, तो हमारा सीधा सीधा हो जाएगा एक्स बड़ा है और बराबर है वाई के, बड़े ही सिंपल तरीके से ये सॉल्व हो गया। तो दोस्तों अगली इक्वेशन देखते हैं, अगली इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस टेन, तो लिख लेते हैं इसे, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस टेन, और इसी तरह से वाई की इक्वेशन लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर माइनस ट्वेल्व वाई प्लस थर्टी फाइव। अब हमें वही करना है, प्लस टेन लाना है, सम माइनस सेवन लाना है, तो क्या घटक होंगे इसके, क्या गुणनखंड होंगे, माइनस टू और माइनस फाइव एंड माइनस टू। जब ये बराबर से उधर जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, तो एक्स की वैल्यू आएगी प्लस फाइव प्लस टू। इसी तरह से इधर भी जाएंगे तो हमें पैंतीस सम लाना है और बारह मल्टीप्लिकेशन में लाना है, तो बारह जो है सम लाना, बारह सम लाना है और थर्टी फाइव मल्टीप्लिकेशन में लाना है, तो इसके सीधे सीधे जो गुणनखंड हो जाएंगे वो हो जाएंगे सेवन और फाइव,
ये दोनों माइनस के साइन होंगे तभी माइनस का सम आएगा, और इन दोनों का गुणनखंड प्लस 35। तो जब हम बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये साइन बदल जाएंगे। उसी तरह से स्केल बना लेंगे, जीरो लाकर हमें मालूम है प्लस में चीन प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव आगे तक चले जाएंगे, प्लस सिक्स प्लस सेवन इस तरह से। अब सवाल उठता है कि हमारे पास प्लस फाइव वाले कितने हैं, तो एक्स प्लस फाइव वाला एक है, इसके अलावा वाई प्लस फाइव वाला भी एक है, प्लस टू वाला एक्स कितना है एक है हमारे पास, और प्लस सेवन वाला कितना है वो भी वाई एक है। तो हमें मालूम है कि एक तो बराबर आ रहा है, वाई की वैल्यू एक तो बराबर ये वाली आ रही है, तो एक तो एक्स और वाई बराबर हो गए, और एक में आ रहा है जो वाई की वैल्यू है वो एक्स से कहीं अधिक है, तो वाई इज़ ग्रेटर देन एक्स, तो एक बड़ा होगा और एक बराबर होगा। तो इस तरह से ये चौथा क्वेश्चन भी सॉल्व आसानी से हो गया। तो दोस्तों इसी तरह से हम सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से बड़े ही कम समय में कर सकते हैं। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन बचा है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर 144। तो हम सीधा सीधा सॉल्व कर लेंगे इसे, एक्स माइनस 12 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो हम जानते हैं इन दोनों का जो वर्ग होता है, एक होता है प्लस एक्स बराबर 12 और एक होता है एक्स माइनस 12, एक प्लस और एक माइनस। जब हम बराबर से इधर ले जाएंगे तब भी साइन एक प्लस हो जाएगा एक माइनस, तो हमें मालूम पड़ गया एक प्लस का 12 है एक माइनस का 12 है। इसी तरह से जब हम वाई स्क्वायर बराबर 144 करेंगे, वाई बराबर अंडर रूट 144 करेंगे, तो एक वैल्यू आएगी हमारी पास प्लस माइनस 12। तो सीधा सीधा सिंपल है, दोनों ही बराबर हैं, दोनों ही में प्लस 12 है प्लस माइनस 12 है, तो हम एक्स इज इक्वल टू वाई इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कर सकते हैं। तो इस तरह से हम क्वांटिक इक्वेशन के आसानी से क्वेश्चन बैंक एग्ज़ाम में मुश्किल से 15 से 20 या 25 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हम लगातार इसी तरह के वीडियो आपके लिए लाते रहें। अगले वीडियो के साथ एक बार फिर मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।